हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर फायर प्रोटेक्शन के बारे में। ट्रांसफार्मर को फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम हम लगाते हैं, जिसके जब भी कोई फॉल्ट आपके ट्रांसफार्मर के अंदर आता है उस टाइम आपका ऑयल ड्रेन हो जाता है और नाइट्रोजन आपके ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर उसकी सरफेस तक फिल हो जाती है, जो कि आपकी फायर के चांसेस को रिड्यूस कर देती है ना के बराबर। तो ये सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, साइट के कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में आग कितनी भयंकर लगती है। अगर आपका ऑयल ड्रेन नहीं होता है तो वो 2 या 3 दिन तक जलती रहती है, जब तक आपका पूरा ऑयल ट्रांसफार्मर में बर्न ना हो जाए। अब हम नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम की बात करेंगे कि नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। ये देखिए साइट इंस्टॉलेशन है, जिसमें आपको रेड कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, वो आपका नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम का पैनल है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके देखिए दो पाइप आपको दिखेंगे, एक है बड़े वाला, एक है छोटे वाला। जो ये बड़ा पाइप है ये आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर लगता है, ऑयल ड्रेन का जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ पे लगता है, और जो छोटे वाला पाइप है ये नाइट्रोजन पर्जिंग का है। ये ट्रांसफार्मर के नीचे जहाँ जहाँ ऑयल ड्रेन पॉइंट होते हैं वहाँ पे ये वाला पाइप आपका लगता है। देखिए इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो आपके कंट्रोल पैनल को कमांड मिलती है, यहाँ से आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल ड्रेन शुरू होता है जो कि पिट में जाता है। इसका पूरा प्लान मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी साइट इंस्टॉलेशन में आप समझ लीजिए। यहाँ से ऑयल ड्रेन होता है, ये पूरा पिट में चला जाता है। लगभग 10% के आसपास ट्रांसफार्मर का ऑयल ड्रेन होता है। तो जैसे ही ऑयल ड्रेन स्टार्ट होता है, इसमें मैकेनिकल असेंबली ऐसे है, तुरंत आपके नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम का जो प्लंजर है वो ऑपरेट होता है, और यहाँ से आपके नाइट्रोजन ये ऐसे नीचे जितने भी आपके ऑयल ड्रेन के पॉइंट्स हैं वहाँ से जाना शुरू कर देती है। और नाइट्रोजन स्टीरिंग एक्शन में आपके ऑयल से होते हुए यहाँ टॉप सरफेस पे जो खाली जगह हुई है वहाँ पे आके जमा हो जाती है। जब ये प्रोसेस होती है तो दोस्तों एक डिवाइस आपका कंजर्वेटर और टैंक के बीच में जो पाइप लगी रहती है, जहाँ बकोल्स रिले होती है वहाँ पे लगता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो कंजर्वेटर से जो ऑयल ट्रांसफार्मर में आएगा उसको कट ऑफ कर देता है, वहाँ से कोई ऑयल आपका नहीं आएगा। तो जैसे 10% ऑयल खाली होता है, नाइट्रोजन आपके यहाँ से जाके टॉप सरफेस पे जमा हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आग है वो हमेशा ऑयल के टॉप सरफेस पे लगती है, तो जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ जमा होगी वो आपकी आग को शांत कर देगी, अगर लगी है, और अगर नहीं लगी है तो आगे लगने भी नहीं देगी। तो इससे हमारा जो है ट्रांसफार्मर जो है ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन फुल डैमेज होने से बच जाता है। ये देखिए, ये एक क्लियर पिक्चर है आपका इंस्टॉलेशन का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों देखिए इसकी एक स्कीम है कि ये काम कैसे करता है। जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये आपका बगल में पैनल लगा है, इसमें ये एक नाइट्रोजन का सिलेंडर है और ये इसकी असेंबली है। इसको हम आपको जो प्रैक्टिकल अंदर का होता है वो भी आपको आने वाली वीडियो में हम दिखाएंगे, तो बने रहिए। तो जैसे ये आपका पैनल है, ये नाइट्रोजन सिलेंडर है। देखिए नाइट्रोजन सिलेंडर का ये यहाँ पे जाके पर्जिंग सिस्टम नीचे वाले पॉइंट पे जुड़ गया है, और ये आपका ड्रेन सिस्टम है जो ऊपर वाले पॉइंट से हमने लिया है, ये यहाँ से आया और आपके कवर्ड ऑयल पिट में यहाँ से जाएगा। मैं आपको बता रहा था कंजर्वेटर ऑयल टैंक के बीच में हम एक आइसोलेशन वाल्व लगा देते हैं, वो ये है। जैसे ही आपका नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम शुरू होगा ये वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, और आपका कंजर्वेटर से जो ट्रांसफार्मर में ऑयल जाना था लेवल लो होने की वजह से वो अब नहीं जाएगा। ट्रांसफार्मर का इंटरनल भी इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आप बकोल्स रिले को और आपके पीआरडी को, डिफरेंशियल को, तीनों को आप इस कंट्रोल पैनल के सीरीज में लेते हैं क्लोजिंग सर्किट में, ओके। और ऊपर आपके लगाते देते हैं हम फायर डिटेक्टर्स। तो अब आपके फायर के चांस ट्रांसफार्मर के अंदर हो या ट्रांसफार्मर की सरफेस पे हो, तो दोनों में आपका फायर प्रिवेंशन सिस्टम काम करेगा। ये दोस्तों अभी आपका नोएडा के पास अंबुजा के प्लांट में हुआ था, जहाँ पे बुशिंग फट गई थी, उसकी वजह से जो ऑयल है ट्रांसफार्मर की सरफेस पे गिरा था और आग लगी थी। वहाँ पे नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम था जिसने तुरंत एक्टिव होके आपके उसके फायर जो हैजार्ड्स था, जो कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था जिसमें काफ़ी दिन का स्टॉपेज भी आ सकता था, उसको बचा लिया। तुरंत ही ऑपरेट हुआ और वो कंडीशन कंट्रोल में आ गई, और सिर्फ बुशिंग चेंज करने से हमारा काम चल गया था। तो इसकी वर्किंग में जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपकी बकोल्स, डिफरेंशियल, पीआरडी कोई भी आपकी ऑपरेट होती है, इसको कमांड जाएगी, इसको जैसे ही कमांड जाएगी ऑयल ड्रेन स्टार्ट होगा। मैकेनिकल असेंबली ऐसी है, जैसे ही ऑयल ड्रेन स्टार्ट होगा काउंटर वेट से नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम का काउंटर वेट गिरेगा, उसकी कोयल पिक होगी, उसमें दो पिन लगी रहती हैं,
वो पिन हटा के अगर हमने सिस्टम को लाइन में ले रखा है तो ये भी हमारा एक्टिव होगा, नाइट्रोजन पंचिंग स्टार्ट होगी, नाइट्रोजन ऊपर जाके सरफेस पे जम जाएगी, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को एकदम कम कर देगी और हमारी आग जो है ट्रांसफार्मर में लगने से बच जाएगी। ये देखिए अंदर का पैनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका नाइट्रोजन सिलेंडर है और ये सिस्टम है आपके ऑपरेट करने का। ये जो आपको पाइप दिख रही है ये आपकी ऑयल ड्रेन पाइप है, ये इसमें ग्लास लगा रखा है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऑयल ड्रेन हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें काउंटर वेट है, सबसे पहला ये काउंटर वेट है, ये इसमें सोलेनाइड कोयल्स हैं। जैसे ही आपका वहाँ ट्रांसफार्मर में कोई ट्रिपिंग आती है ये कोयल पिक होगी, ये कोयल जैसे ही पिक होगी काउंटर वेट इसने अपने प्लंजर पे संभाल रखा है। अगर आप चाहते हैं आपको नाइट्रोजन सिस्टम लाइन में नहीं लेना तो यहाँ पे दो पिन स्पेयर होते हैं, उसको निकाल के आप यहाँ लगा दीजिए, कोयल पिक हो ना हो ये काउंटर वेट नहीं गिरेगा और आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन अभी हमने लाइन में ले रखा है तो ये इसका जो काउंटर वेट का वेट है वो इस सोलेनोइड कोयल के प्लंजर पर टिका हुआ है। जैसे ही ये कोयल पिक होगी आपका वेट पीछे हो जाएगा, इसका जो प्लंजर है वो पीछे की तरफ हो जाएगा और ये काउंटर वेट नीचे गिरेगा। जैसे ही काउंटर वेट नीचे गिरेगा आपका ऑयल ड्रेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक और लिमिट दे रखी है, ये इसी के लिए है, जैसे ही काउंटर वेट नीचे गिरेगा ये लिमिट एक्टिव होगी और एक काउंटर वेट आपका यहाँ पे है। जैसे ही ये काउंटर वेट गिरेगा इसकी लिमिट पिक होगी, यहाँ पे ये कोयल पिक होगी, जैसे ये कोयल पिक होगी ये काउंटर वेट भी गिरेगा और आपका पर्जिंग सिस्टम नाइट्रोजन का चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी एक वर्किंग है। ये आपका CTR का पैनल है जो कि आपके कंट्रोल रूम में रखता है, जिसमें आप सारे इंडिकेशंस आप इसके चेक कर सकते हैं। आप CTR के इस पैनल को टेस्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। वो जो मैं पिन बता रहा था उन पिन को आप अपने पॉइंट पे लगा दीजिए, प्लंजर ऑपरेट नहीं होगा और आप यहाँ पे फॉल्ट जनरेट कर करके उसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं कि कमांड जा रही है नहीं जा रही है, आपके जो सोलेनोइड कॉइल्स लगे हैं सब हेल्दी हैं या नहीं हेल्दी हैं। देखिए मैं जिस पिन की बात कर रहा था आपको वो ये पिन है, जहाँ पे मैंने एरो से डिफाइन कर रखा है, ये पिन अभी यहाँ पे एक्टिव है। जैसे ही इस पिन को निकाल के हम ऊपर रख देंगे ये काउंटर वेट इस कोयल के प्लंजर पे आ जाएगा। अभी हमने मैकेनिकली इसको फोर्स कर रखा है कि हमारा ये ऑपरेशन काम ना करे ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, लेकिन जब आपको इसको ऑपरेशन में रखना है तो आप इस पिन को निकाल के स्पेयर जगह पर लगा दीजिए, अब ये जो काउंटर वेट है इस सोलेनोइड कोयल के प्लंजर पर आ जाएगा और ये वर्किंग में रहेगा। यहाँ पर देखिए ये दो प्रेशर गेज हैं, ये आपके सिलेंडर का प्रेशर बता रहा है और ये आपके लाइन का प्रेशर बता रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो भी आपके समझ में आया, और मेंटेनेंस के दौरान कैसे हमें पिन का ध्यान रखना है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वायरी है, इसकी कंट्रोल डायग्राम चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सबस्टेशन की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, उसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस जो आपके रिटन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इंडक्शन मोटर के कॉन्सेप्ट्स हैं एफिशिएंसी मोटर लोडिंग के रिगार्डिंग, सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।